नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। शहर के सार्वजनिक तालाब पर कजरी तीज का एक दिवसीय मेला भरा। इस तालाब में पानी की अच्छी आवक होने से ये मेला फिर से शुरू हुआ। बड़ी संख्या में महिलाएं तालाब पहुंची तथा वहां लगे करीब 12-13 झूलों पर झूलने का आनंद लिया। वहीं महिलाओं और युवतियों के लिए चिरमी के खेल प्रतियोगिता भी हुई। मेला संयोजक पूर्व विधायक भवनलाल राजपुरोहित ने बताया कि मेले में राजस्थानी संस्कृति जीवित हो जाती है। ऐसे मेलों में राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। मेला व्यवस्थापक पूर्व सरपंच सुनीता राजपुरोहित ने बताया कि तीज महोत्सव हमारी गौरवशाली संस्कृति का प्रतीक पर्व है। हमने एक नई पहल की है, आपके सहयोग आशीर्वाद से हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, उत्सव मेले का वैभव और बढ़े। राजपुरोहित ने बताया कि इस अवसर पर तैराकी प्रतियोगिता, कुंडी तैरना, निशाना लगाना प्रतियोगिता सहित अनेक प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया। इसके साथ मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाई गई। पूर्व प्रधान हिम्मत सिंह राजपुरोहित ने मेले में आयोजित प्रतियोगिता और खेल में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वालों को सम्मानित किया। इंडो लगाओ, इंडो इंडो लगाओ, इंडो इंडो हाँ, खावा दे, धीरे धीरे खावा, धीरे लगाओ, धीरे जी, अरे धीरे जी, ऐसा संदोख किया कि 81-82 के बाद में यहाँ वर्षा हुई और वर्षा हुई तो वही तो थी, लेकिन तालाब नहीं भरा, तो तालाब भरना चाहिए, वो नहीं भरा तो हम कुंद हो गए। हम कुछ भी नहीं करते, हमारा मन की मन में रहेगी हम मेला भरे। अब के भगवान से प्रार्थना की, हमने संकल्प लिया गणेश जी के सामने, ये गणेश भगवान अपने तालाब भरा दो तो हम ये मेला भरना चाहते हैं। तो गणेश जी महाराज ने हमारे सुने, ये तालाब भर गया, तालाब भर गया तो हमारा संकल्प था ही, इसलिए मैंने ये मेरा मेला जो है स्थापित कर दिया। आज वो मेला का दिन है कि हमने महिलाओं के लिए जो अच्छी छोट रखती है उसके लिए चीज वगैरह व्यवस्था की। पूरे चारों आप देखो, पूरे जितने तक तो उनके सब के हिले लगे हैं, 10 हिले पर झूले में झूले लगाए हमने, उनके संगीत के लिए संगीत की व्यवस्था की है। यहाँ पर ये बाजे बज रहे हैं, ये ढोल ढोबाक हो रहे हैं, ये सब उन्हीं के लिए हो रहे हैं। और यह अपनी एक तैराकी तैराकियों की हम इनाम देंगे, जो तैरने में फर्स्ट आएगा उसको 500 रुपये इनाम देंगे, जो टोले जो पड़ेगा उसको 1000 रुपये इनाम देंगे। तो इसने हमारे प्रतियोगिता रख रखी है और इस जनता के लिए करता हूँ मैं तो, कि मैंने ये मेला गणगौर का मेला हमारे घर से ही भरता है। ये हमारे अभी आने वाला जो है गणेश जी का चतुर्थी का मेला और यह रावण का मेला, ये मेले में अक्सर मेरे शौक के लिए, जनता के लिए, जनता की खुशी के लिए मैं भराया करता हूँ। इतना मुझे शौक है कि मैं मेले भरूँ जिससे लोगों का आन जान हो, खुशियाँ हो, लोग खूब खुश रहे, आन जान हो, मिलनसार बढ़े, इस हिसाब से मेला मेरा बढ़ेगा। मेरा मतलब यही है, मेरा मकसद और मकसद सबसे मकसद यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हंसमुख रहे, खुश रहे और इसका रसवा स्वादन रहे, उन्हीं की खुशी के लिए मेला भरता हूँ। और आज वो मेला उन्हीं की खुशी के लिए भरा गया है। आप देख रहे हैं चारों तरफ गाजे बाजे बज रहे हैं, झूले झूल रहे हैं लोग, मेला इकट्ठी हो रही है। अभी तो 5 बजे अभी सात बजे आप देख रहे हैं, यहाँ आपको पैर रखने में जगह नहीं मिलेगी, इतनी महिला अब भाग ले गया। अभी तो 5 बजे अभी तो काफ़ी आज कुछ भी छोटा ये लोग आए हैं, आप देख रहे हैं रात को तो सब इतने नाव सब आए थे, कम से कम आप देखो 7-10 हज़ार आदमी तालाब में, तालाब जाओ चारों तरफ आदमी आपको महिलाएँ मिलाई मिलेंगी। तो मेरा मकसद स्पष्ट है और मैं आत्मा से कहता हूँ कि मैं तो जनता के लिए करता हूँ, जनता की खुशी के लिए मेले भराता हूँ, यही मेरा मकसद है। मुझे भगवान मदद करेगा कि मेरा मकसद हल होगा। जी हाँ, मेरी मदद, थैंक यू। और 3 साल बाद मैं प्रधान बन गया था, तो मुझे मेला बनाने का शौक था, तो मैं गुड़िया का मेला बनाता था।
एक बोराड़ के हमारे बोराड़ का जो तालाब है, बोराड़ का जो तालाब है ये उस टाइम में अच्छी बरसात हुई, 75 अच्छी बरसात हुई, 29 बरसात हुई, 68 जोरदार बरसात हुई, तो ये हमारा तालाब या जो है दिख रहा आपको ये फूल भर जाता था। तो मेरा मन किया कि इस इतना बड़ा तालाब है इस पर मेला भरा दिया जाए। तो मैंने सर पहले मैंने 68 में मेला भरा, फिर मैं बहुत दिन भराया, फिर मैंने 75 भराया, फिर मैंने 81 भराया। उस टाइम मैंने जब जब ये मेले भराया उस टाइम तालाब पानी था और भरा हुआ था, तो मैं मुझे शौक था इसलिए मैं फिल्मों का खेल बड़ा पसंद था। तो औरतों का मेला था तो औरतें महिलाएं ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ फिल्म को बहुत पसंद खेल था, तो मैंने फिल्म के लिए अलग व्यवस्था की। एक हमारे चारों बंदे को आप देख रहे हो पेपर बीम लगे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर यहाँ चारों तरफ जो है झूले लगाए कि औरतों का शौक झूले झूलने का होता है, तो मैंने झूले लगाए और दूसरी व्यवस्था मैंने कराई। और तीसरा जो है तालाब में जो टोले होते हैं ये तिरहे थे, उस टाइम क्या कि यहाँ लोग कई लोग शौकीन थे शिकार करने के शौकीन थे, तो वो एक हमारे बोरा में अश्विन कुमार थे, मुझे भी मेरे बचपन से मैं NCC बता बदू चलाता था मैं, और एक दिन मैं मगर ठाक साहब को बुला के लाया, तो यहाँ पर हम 3-4 साल तक ये टोले तैरते थे और टोलियों का शूटिंग करते थे। तो टोलियों में फर्स्ट था ज़्यादा टोले फूट तो फूटने तो उनको इनाम मिलता था। हर प्रतियोगिता में फिल्म में क्या, जूनों में क्या, कबड्डी में क्या, बच्चों